अगली खबर है जोधपुर से। लिविन में रह रही एक जीएनएम का उसके ही प्रेमी ने जोधपुर में गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस पहले इसे सुसाइड मानती रही, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये मसला हत्या का है। इसके बाद लड़की के पिता ने प्रेमी पर हत्या का मामला दर्ज करवाया। सामने आया कि प्रेमी लड़की के पिता का ही ड्राइवर था। लड़की के पिता एक टीचर हैं। मामला जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके का है। जानकारी के अनुसार सरिता, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में जीएनएम के पद पर तैनात थी। 7 सितंबर की रात जब वह घर लौटी तो प्रेमी हरीश माली, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, शराब के नशे में था। पुलिस ने बताया कि इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि हरीश ने सरिता का गला घोटकर हत्या कर दी और पुलिस से बचने के लिए उसने सुसाइड की झूठी कहानी बनाई। शास्त्री नगर थाना अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो पलंग पर सरिता का शव पड़ा हुआ था। हरीश ने बताया कि उसने चुन्नी को काट कर शव को नीचे उतारा है। 8 सितंबर को सुसाइड का मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। वहीं 14 सितंबर को इसकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि सरिता का तो गला घोटकर हत्या की गई थी। इधर सरिता के पिता को इसकी जानकारी मिलने के बाद हरीश के खिलाफ 14 सितंबर को हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने गुरुवार को युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी है। थानाधिकारी ने बताया कि अभी हत्या के कारण को लेकर पूछताछ की जा रही है। जिस दिन हत्या की गई उस दिन हरीश शराब के नशे में था। थानाधिकारी ने बताया कि सरिता झालावाड़ की रहने वाली थी। 4 साल पहले वैभव अग्रवाल नाम के युवक से उसकी शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी। शादी के 1 महीने बाद ही सरिता ने पति को छोड़ दिया था। जुलाई 2022 में ही वह जोधपुर आकर शास्त्री नगर थाना के मिल्कमैन कॉलोनी में रहने लग गई थी। हरीश भी उसके साथ ही रहता था। दोनों यहाँ लिविन में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। यह भी सामने आया कि हरीश और सरिता दोनों झालावाड़ में भी साथ ही रहते थे। सरिता के घर वालों को भी पता था कि जोधपुर में दोनों साथ रह रहे हैं। शादी के बाद से ही उसने वैभव को छोड़ रखा था और जुलाई 2022 से यहाँ मिल्कमैन कॉलोनी में अपने दोस्त इस हरीश मालिक के साथ ये निवास कर रही थी और उम्मीद अस्पताल नौकरी करती थी।